हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद भी उच्च स्तरीय जांच के स्थान पर जिला स्तर पर जांच कराने का फैसला सवालों के घेरे में है। वहीं मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसकी गंभीरता से जांच के साथ दोषियों के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है और जिस तरह के रिपोर्ट उसके अभी पढ़ने को मिल रही है, अगर ऐसा है तो वो और अधिक गंभीर हो जाता है। ये केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है। और जैसा भी जानकारी मिली है कि उसमें प्राइवेट किसी लैब को ये काम दिया गया था, क्योंकि कोर्ट के निर्देश थे कि भैया आप प्रतिदिन इतना सैंपल टेस्ट करिए।